जैसे अभी तो हम लोगों ने टिकट बाय कर लिया 70 रुपए की। आराम से ये है अपना गेट नंबर 3 और यहाँ से आप बढ़िया व्यू आएगा ना, यहाँ से जो व्यू आएगा वो समझ लो ऐसा व्यू कहीं से नहीं आएगा। ये देखो जैसे मैंने कहा था ना, पूरी दिल्ली नजर आएगी, पूरी तो नहीं लेकिन आधी दिल्ली नजर आ रही है। बाकी हम भी अभी वजू करेंगे क्योंकि नमाज अभी जोर की नहीं पड़ी है। गाइस क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस आज आ चुके हैं ट्रैवल व्लॉगिंग करने, यानी जामा मस्जिद दिल वालों की दिल्ली में आ चुके हैं और ये है पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद। दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर वाली तो भोपाल में और ये दूसरे नंबर वाली। बाकी मेरे पीछे भी देख सकते हो इसका गुम्बद है जो पूरा है। बाकी अभी ऊपर में इंट्रो ले रहे हैं क्योंकि नीचे में अभी देख सकते हो कैसा क्राउड है, नीचे में बड़े तरीके से हो नहीं पाता इसलिए ऊपर में ले रहे हैं। बाकी अभी पूरी वीडियो में बिल्कुल बड़े तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और ये मेरा ट्रैवल ब्लॉगिंग है, फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉगिंग होने वाला है क्योंकि मार्केटिंग ब्लॉगिंग करता था तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, वीडियो तरीके की बन नहीं पा रही थी और मैं अपना फेस खुल के जो मुझे दिखाना था लोगों को वो मैं वो चीज नहीं दिखा पा रहा था। और ट्रैवल ब्लॉगिंग में क्या है कि मैं अपने आप को खुल के पूरा बड़े से दिखा सकता हूँ, लोग मुझे अच्छे से जानेंगे भी। बाकी इंशाल्लाह अब यहाँ से जितनी भी वीडियो आएगी सारी की सारी ट्रैवल ब्लॉगिंग होने वाली है, हर एक प्लेस को बड़े से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कमेंट तो भाई भर भर के करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आपके कमेंट से। एक कमेंट से आपके मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है ये तो मैं ही जानता हूँ। दिल पे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार किसी भाई ने अच्छा कमेंट करा है और वैसे भी ये प्लेसेस की वीडियो है तो इस पे तो काफी बंदे कमेंट भी करेंगे। बाकी अगर इस वीडियो में भी अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं उसको धीरे धीरे इंशाल्लाह सुधारता रहूंगा। चलो अब मिलते हैं डायरेक्ट ब्लॉग में। ये है अपने जामा मस्जिद की मेन एंट्री। वैसे आपको जूते तो रखने पड़ेंगे लेकिन हमने हाथ में ले लिए। बाकी चलो और चल के देखते, देख लो इस तरीके का कुछ माहौल देखने को मिल जाएगा। और उस तरफ में नमाज पढ़ी जाती है और ये सामने वहाँ से भी एंटर है और एक गेट ये रहा इसका, आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर आप बारिश में आते हो, अभी तो बारिश भी हो रही है, बारिश में आते हो तो आपको यहाँ पर उस तरह के कपड़े भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये कपड़े ये चेक कर लो। और यहाँ पर पानी की बोतल और जूस देखने को मिल जाता है, चिप्स खाना वाना हो चिप्स भी देखने को मिल जाता है। बाकी ये देखो ये पूरा आ गया अपना व्यू, ये पूरा चेक कर लो, ये है पूरा व्यू। और एक गेट नंबर 2 है वो गेट नंबर 1 और ये है अपना गेट नंबर 3। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लोग वजू कर रहे हैं, औरत मर्द सब बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर वजू करते हैं। बाकी हम भी अभी वजू करेंगे क्योंकि नमाज अभी जोर की नहीं पड़ी है तो जोर की नमाज भी पढ़नी होगी। बाकी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ कवर करेंगे और देख लो कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ से। गाइस अभी माशाल्लाह जोर की नमाज़ पढ़ ली हमने और अभी बारिश भी रुक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करेंगे क्योंकि बारिश भी रुक चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यू अब आएगा। अभी मीनार के ऊपर चलेंगे और वहाँ भी चल के एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करवाएंगे। देख लो अभी बारिश पूरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से रुक चुकी है, देख लो हल्का है जो कि बूंदाबांदी अभी हो रहा है। बाकी इसमें तो आप कवर तो करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी अभी जितना अच्छा हो उतना अच्छा आपको कवर करके दिखाएंगे और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच करना। अभी तो जा रहे हैं हम टिकट लेने के लिए, मीनार के ऊपर अभी जाएंगे ना तो उसकी टिकट लगती है। बाकी अभी देखते हैं उसका कितना प्राइस है उसका। पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, पैसे इकट्ठे होने के बाद ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से आप कटवा सकते हैं। गेट नंबर 1 से जो आते हैं आप लोग तो यहीं पर आपको टिकट मिल जाती है। बाकी अभी टिकट कटवा रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने टिकट बाय कर लिया 70 रुपये की मिली हमें, बाकी इससे पहले 50 की थी अब 70 की हो गई है। और भजन पकड़ना इसको, यहाँ से होती है मीनार की एंट्री, अभी गेट नंबर 1 के अंदर जाना पड़ेगा। बाकी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एंट्री कहाँ से एंट्री कहाँ से, तो अभी बता ही देंगे एंट्री कहाँ से। चलते अभी हम लोग भी थोड़ा सा फंस गए थे, पीछे चले गए थे, पता नहीं था ना मैंने बताया जैसे आपको थोड़ा इससे पहले। बाकी यहाँ से है एंट्री, देखो इसका रास्ता यहीं से एंट्री, टिकट देनी पड़ती है और उसके बाद इधर और एक यार यहीं से एंट्री है मीनार। अभी तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि टिकट कटेगी, 4 टिकट 4 बंदे। चलो खुफिया रास्ता है, खुफिया रास्ता है।
पूरा अंधेरा होना पड़ा इसमें कई बंदों के सांस अटक जाती है। ये रहा पूरा मीनार और यहाँ से इस तरफ में पूरा रोड। अभी हम इसी रास्ते से आए थे, हम शुरू में हम इसी रास्ते से आए थे। मोहब्बत का शरबत जो मिलता है वो आपको सामने अंदर जाके हबीबी जी देखने को मिलते हैं, जहाँ मोहब्बत का शरबत देखने को मिल जाता है, नफरत मोहब्बत दोनों के शरबत। और यहीं से देखो, यहाँ से अभी चलते चलते पूरा रास्ता जो मैन है इस पर चढ़ने में काफ़ी बंदों की सांस अटक जाती है, बहुत बंदों को दिक्कत होती है, क्योंकि जो ज़्यादा एज वाले होते हैं तो उनको दिक्कत तो होती है, सांस फूलने लगती है क्योंकि पूरा ग्रुप बना पड़ा हुआ है इस वजह से। बाकी आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लेके चढ़े ताकि दिक्कत ना हो, अगर भीड़ हो तो फिर तो ज़बरदस्ती घुसते जाओ। जैसे संडे वाले दिन कई बार ऐसा होता है कि भीड़ होती है तो बंदे घुसते आते और उनकी सांस बंद हो जाती है। जैसे पूरा चढ़ना पड़ेगा इधर से, ये रास्ता जा रहा यहाँ पर शाहजहाँ यहीं बैठते होंगे, देखते होंगे कि कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा। यार इसको बंद कर रखा है, तार लगा रखा है, देख रहे पूरी तरीके से। ये जंगल, ये रहा मीनार का सबसे मस्त एंट्री। अभी ऊपर चढ़ने के बाद फिर वहाँ पर भी रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो रहा मेन रास्ता जहाँ से अंदर जाना पड़ता है, तो इसमें तो बहुत दिक्कत है। बाकी चलो अभी चलते हैं ऊपर भी, थोड़ा रेस्ट ले लेते। और सामने लाल किला वो देखो, लाल किला भी यहीं से नज़र आता है। बाकी मीनार के ऊपर जो जाओगे उस टाइम में तो आपको समझ लो पूरा दिल्ली नज़र आएगा, इतना बढ़िया व्यू आएगा ना यहाँ से, जो व्यू आएगा वो समझ लो ऐसा व्यू कहीं से नहीं आएगा, इतना बढ़िया व्यू आने वाला है। बाकी देख लो, ओए होए होए बड़ा मज़ा आ रहा है यार। और यहाँ पर आंटी फ़ोटो ले रही, बाकी इस तरफ में भी देख लो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, अलग ही मज़ा आ रहा है। बाकी चलो ये रहा रास्ता, चलते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, जामा मस्जिद की बिल्डिंग पर लिखना सख्त मना है, जो दीवारों पर लिख देते हैं उनके लिए मना है यहाँ पर। पर अगर किसी को डोनेट करना हो तो उसके लिए स्कैन बार कोड दे रखा है। बाकी चलो ऊपर, ये देखो ऊपर जाने का ये है रास्ता, और ये भी खुफिया रास्ता है। ये देखो ओए होए पूरा अंदर सुरंग है, अंधेरा बना पड़ा हुआ, नहीं देखना भाई, जिन्ना तो होगा तब हम क्या करेंगे। कि ये देखो असली व्यू अभी भी यहाँ से नहीं आ रहा, असली व्यू जो व्यू आना चाहिए वो अब भी यहाँ से नहीं आ रहा, असली व्यू तो ऊपर से आएगा। आपको यहाँ पर अपने सामान जो भी बैग हो या कुछ भी हो यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पर जमा करवा के फिर आगे बढ़ना। और चलो अब हम भी आगे बढ़ ही जाते हैं, काफ़ी टाइम से वेट करा इस चीज़ का, कब एक ट्रैवल व्लॉगिंग करेंगे, और आला ने उसको पूरा कर ही दिया। काम चल रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से पूरा घेर रखा है, बाकी देख लो। चलो ऊपर, अलग ही मजा आ रहा। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से फोन के स्क्रीन पे दिक्कत हो रही है। देखो मैं इसी चीज की बात कर रहा था, यहीं पर कई बंदों की सांस अटक जाती है, देख रहे हो? अभी चढ़ने में तो हालत खराब होने वाली है, सांस फूल गए बड़े। चलो भाई जान चलते रहो, सांस फूल गई, हम लोग जवान है, जल्दी से हाल है। जब उन लोगों का ये हाल है तो बूढ़ों का क्या हाल होगा? बूढ़े तो अक्सर चढ़ते नहीं है क्योंकि उनको दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। गाइस फाइनली मीनार के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से आने वाला है टॉप व्यू। ये देखो जैसे मैंने कहा था ना, पूरी दिल्ली नज़र आएगी, पूरी तो नहीं लेकिन आधी दिल्ली नज़र आ रही, जाल की वजह से थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, वरना तो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको दिखा देता। सामने देखो वाली बिल्डिंग कमला मार्केट वाली बिल्डिंग है, देख लो कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। और यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि किसी भी दीवार पे ना लिखे। बाकी देखो ओए होए होए मजा आ रहा है। और ये अपना लाल किला, ओए होए, और नीचे मीना बाजार, देख रहे हो मीना बाजार पे भी कैसे तिरपाल लगे हुए हैं बारिश के चक्कर में, मजा ही अलग आ रहा है यहाँ पर खड़े होने के बाद। अदनान भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बेहतरीन लग रहा है। सैफुल्ला भाई आपको अच्छा लग रहा है ना? सादिक भाई, अरे बस मजा आ गया यार, मजा आ गया ना। ये देखो अभी वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दीवार पे ना लिखे, फिर भी देखो हरकत है, देख रहे हो वहाँ की, ओए होए होए मजा आ गया यार आके, दिल खुश। एक से एक तो भी मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि जाल लगे हुए, तो जाल में आप कैमरा घुसेड़ तो नहीं सकता,
फिर भी और सामने सिग्नेचर ब्रिज जो कि हल्का हल्का नजर आ रहा होगा आपको, वो देखो पूरा तरफ। और ये देखो ऊपर में पूरा गुफा टाइप बना हुआ है, बहुत से लोग आ रहे हैं और इस वक्त में भी यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए। थक गए चाचा जान, सांस खुल गई होगी। 60 साल तो 60 साल की उम्र है आपकी। अच्छा आप भी थक गए क्या? सांस खुल गई, बहुत ज्यादा हालत खराब है। नो होटल सामने, अभी एक नई बिल्डिंग बनी है नो होटल, जो कि वोरा सामने वोरा वोडाफोन टावर। और यहाँ पर अपना गुम्बद दूसरा मीनार ये रहा, इस पे कम लोग चढ़े हुए हैं, देख लो दो ही बंदे नजर आ रहे हैं अभी तो, तीन है देखो, तीन बंदे चढ़े हुए अभी बस, ज्यादा बंदे तो इधर ही चढ़े हुए। ये थोड़ा पास कर लो, अभी कितने लोग आ रहे हैं, सब थक गए, बूढ़े लोग यहाँ के ना फंस जाते होंगे। जब हम नौजवानों का ये हाल है तो बूढ़ों का क्या हाल होगा। हाँ हर जगह बीच से खिड़की टाइप दे रखी है। अब चलो अब नीचे उतरना पड़ेगा, इस वाले मीनार पे काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, इसके वजह से अब हमें नीचे आना पड़ रहा है। अंधेरा है तो मेरा फेस भी काला काला नजर आ रहा होगा। जो पहले के जो मिस्त्री थे उन्होंने बनाया बड़े तरीके से भाई, कहना पड़ेगा। बस आ गए और बस आ गए, अपने सामान को भी वापसी ले ही लेते हैं यार। इस पे ना बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था, और उस वाले मीनार पे अगर जाते तो उस वाले मीनार पे इतना रश नहीं था इतना इस वाले मीनार पे रश था। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़े देखने को मिल जाते हैं, कैफ़े लॉन्च जो बड़े बड़े होटल है यहाँ पर, एक हाँ गुम्मत कैफ़े जो सबसे ज़्यादा फेमस है दिल्ली का, वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसकी दीवारों पर कुरान की आयत लिखी हुई है, यानी इसकी जितनी दीवार है वहाँ से लेकर यहाँ तक सब पे कुरान की आयत लिखी हुई है। यहाँ पर कुछ फॉरेन कंट्री से भी आते हैं जिनको बुरका पहना दिया गया, यानी एक तरीके से ज़्यादा पैसा ले लिया गया इनसे, वहाँ की फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। और एक कहाँ गया, हाँ एक ये रहा लुंगी पहना दिया गया इसे। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आती रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात, एक ख़ास बंदे से आपको मिलवाना चाहूँगा जो नागपुर से जामा मस्जिद विज़िट करने के लिए आए हैं। सैफुल्ला भाई क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए नागपुर से विज़िट करने के लिए आए जामा मस्जिद को? जी। अच्छा तो कैसा लगा जामा मस्जिद का माहौल, सही लगा आपको? बहुत है ना खूबसूरत जगह ये, बाकी इस प्लेस के बारे में जैसा कहा जाता है वैसा है कि नहीं है ये? चलिए ठीक है, बाकी भाईजान को भी बहुत पसंद आया और सादिक भाई भी, उनको भी बहुत पसंद आया, उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं। सादिक भाई कैसा लगा यहाँ? बढ़िया, बहुत मजा आया ना। अच्छा लाजवाब, जैसा कहा जाता है वैसा मिला ना आपको देखने को। चलिए और अदनान भाई है तो अदनान भाई ने तो विजिट कर ही रखा है, तो उनसे क्या ही रिव्यू ले। बाकी ऐसी वीडियो इंशाल्लाह आती रहेगी, तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बारिश हो रही है तो थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, कैमरे पे पानी पड़ रहा है और डिस्प्ले पानी पड़ रहा है, इसलिए वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं।